पूछना चाहूंगी इस बार बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हैं? मैंने अभी तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है. मैं इतना ज्यादा फॉलो करता हूँ कि मैं बता नहीं सकता. आई लव बिग बॉस. तो इस बार आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? मेरे को इस बार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो लग रहा है वो रश्मि देसाई, और ये सी प्लेड वेरी वेल. मैं इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और मैं इन्हें वोट भी करता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा खेल रही हैं. तो मैं उनके लिए, वो वापस आए, एक बार आउट हुए वो, मगर वो वापस आए, मुझे बहुत खुशी हुई. और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रही हैं, तो मैं रश्मि के लिए कहना चाहूँगा, रश्मि यू आर द विनर, यू आर विनिंग दिस बिग बॉस 13. ओके, अरहान और रश्मि की दोस्ती को कितना पसंद करते हैं आप? अरहान और एको वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से. बाकी मैं अरहान को इतना ज़्यादा जानता ही, मगर हाँ रश्मि एक अच्छी फ्रेंड है. मैंने उनको देखा है तो इस तरह से उनकी दोस्ती के उनके किस्से सुने हैं मैंने, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं वो दोनों. पारस के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है रश्मि का, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी रश्मि सेफ भी हुई है पारस के कारण, दोस्ती के कारण. हाँ नहीं, पारस का गेम भी बहुत अच्छा है. हाँ. मगर मैं पारस के अकॉर्डिंग मुझे रश्मि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है. मेरी थिंकिंग है, क्योंकि मैं रश्मि को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये सीज़न वो ही जीतें. अच्छा, आपको लगता है कि अग्रेशन इस घर में एक लिमिट से दिखाया जाता है? क्योंकि अभी हाल ही में वीकेंड में बताया गया था कि अगर अग्रेशन दिखाते हैं तो लड़की को पीछे हट जाना चाहिए. क्या आज भी हमारे यहाँ पे भेदभाव होता है लड़का लड़की के बीच में? अभी जिस तरह से हमने अभी ये, मैं 13 देख रहा हूँ, बाकी मैंने सभी पहले के सब 12 तक भी मैंने बिग बॉस देखा है, तो मैं वो उसके अकॉर्डिंग 13 में बहुत ज़्यादा एग्रेशन इसमें देखा है. बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इतना नहीं होना चाहिए. मगर देखो टास्क के दौरान क्या चलता है ये वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि दे प्लेड द टास्क. अगर ज़्यादा बार देखूंगा तो कभी कभी सिद्धार्थ शुक्ला वो लोगों को टारगेट भी करते हैं. वो किसी, मतलब लड़की है या लड़का हो, कोई भी है, वो अपने टास्क के दौरान कभी भी पीछे नहीं हटते. टास्क हो या ना हो, वो अपने उस पर अपना स्टैंड लेके खड़े ही रहते हैं कि भाई उन्हें लड़ना ही है. तो मैं मानता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला थोड़े उनके अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, मगर ठीक है, वो उनका गेम है तो वो अपने हिसाब से खेल रहे हैं. ओके, वीकेंड पर सलमान खान जब आते हैं तो आपको क्या लगता है वो बायस होते हैं? लगता तो है मगर सलमान खान उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे सबसे फेवरेट हैं. जैसा कि आपने बोला कि रश्मि आपको पसंद है, सो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं रश्मि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ अपना गेम खेलें, और दूसरों को किसी के भी साथ आप नहीं, आप अपना स्टैंड लें, और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं. तो आप अपना गेम स्ट्रॉन्ग आ रहा, अभी तो मुझे लग रहा है कि ज़माना काफ़ी बदल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के सहारे की, किसी के कंधे की ज़रूरत है. यू आर वेरी गुड, यू प्लेड वेरी वेल. आई होप के आप, मैं यही चाहता हूँ कि लास्ट में आप जब ये ट्रॉफी के साथ ही आप आएँ. तो रश्मि, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू. थैंक यू सो मच. अरहान का गेम आपको अच्छा लग रहा है? वो रश्मि के साथ भी बंदा एक्चुअली वो फ्रैंक माइंड है. हाँ. जो भी करता है अच्छा ही करता है, और कोशिश कर रहा है कि वो आगे तक खेले, और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर खेलेगा. बाकी आपको क्या लगता है, अरहान टारगेट करते हैं सिद्धार्थ को या फिर सिद्धार्थ टारगेट करता है अरहान? यार वो टारगेट किसी को भी करे ना, टारगेट उल्टा हो जाता है. हाँ. खुद ही टारगेट बन जाता है. तो कहते हैं नहीं, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया. तो ये बिग बॉस है बॉस. हाँ. और यहाँ का बिग बॉस भी सलमान भाई है, तो शिकार करने की कोशिश मत करो, कायदे में खेलो, सही जाओगे. सच बोलें, केसरी भी ठीक कर रहा है, क्योंकि उसका जो लोगों के साथ बाउंडिंग है वो सबको लेके चलना चाहता है. मेरे हिसाब से अभी वो अच्छा है, बाकी रश्मि एंड जो भी हैं. तो क्या मैसेज देना चाहोगे उनके लिए?
मैसेज दे ही दूंगा भैया, यूपी बिहार वालों के साथ अच्छे से खेलो, आगे तक जाओगे, और सलमान भाई को कम परेशान करो क्योंकि वो ऑलरेडी इतना उनके ऊपर वो लोड है, और उनको आप लोग इतना परेशान करोगे तो फिर अगर बंदा सनक गया ना तो ले डूबेगा सबको। दैट्स ऑल, थैंक यू। सो बिग बॉस देखना पसंद करते हो? हाँ, अच्छा शो है। सो आपको कौन पसंद आ रहा है इस बार? अरहान, ही इज वेरी वेल, वो यू नो ही इज डूइंग अमेजिंग, मतलब जिस तरीके से वो खेल रहे, यू नो टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट एंड आई ट्रूली सपोर्ट हिम एंड आई रियली थिंक ही विल विन दिस टाइम। ओके, जिस तरह वो खेल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं या फिर टारगेट हो रहे हैं? आई थिंक वो यू नो ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि वो बन भी रहे या बना भी रहे, यू नो वो हर जगह से ना ही इज बीइंग स्मार्ट अबाउट इट, सो दैट्स वेरी नाइस, ही इज वेरी स्मार्ट अबाउट इट। सो आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हो, इस बार बिग बॉस देख रहे हो आप? यस, इस बार ही देख रहा हूँ मैं सीजन 13 बिकॉज ऑफ रश्मि एंड अरहान, फुल सपोर्ट आई एम अरहान एंड रश्मि एंड केसरी लाल ऑल्सो। रश्मि का गेम आपको पसंद आ रहा है? जी बहुत अच्छा, एक्चुअली क्या सिद्धार्थ शुक्ला है जो हर किसी से, कोई भी नया कंटेस्टेंट आता है उससे झगड़ा करता है, पुराना आता है उसको उसका काम है सिर्फ झगड़ा करना, कंट्रोवर्सी लेना और अपने आप को फुल सपोर्ट करवाना। मेन जो गेम है जो खेल रही है वो है रश्मि, बेस्ट गेम खेल रही है रश्मि एंड फुल सपोर्ट रश्मि। नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली, देखो वो सलमान भाई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर जहाँ तक है कि सलमान अभी ठीक है मगर आगे जाके ऐसा दोहरा नहीं करेंगे, सलमान सलमान है। okay, और क्या कुछ बताना चाहेंगे, रश्मि का गेम प्ले पसंद आ रहा है? 101%। तो आपको क्या लगता है कि रश्मि इस बार जीतने वाली है? ट्रॉफी लेके ये बाहर आने वाली है, रश्मि आएगी ट्रॉफी लेके बाहर आएगी। मैम देखो ऐसा तो हम लोगों को लगता नहीं है मगर जिस तरह वो लोग है अभी देखो आगे चल के क्या होता है, वी आर फुल सपोर्ट रश्मि अरहान एंड केसरी लाल ऑल्सो। केसरी लाल अभी बहुत स्लो है मगर वो आदमी वैसा है कि कभी भी उठ सकता है। okay, so पंगा नहीं लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए केसरी लाल से। एंड लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहोगे आप तीनों को? प्लीज वोट फॉर रश्मि एंड अरहान एंड केसरी लाल। यस, इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है, आरान जी और रश्मि के ऐसे उन दोनों के ऐसे। ओके, वो दोनों आपको पसंद है? यस। उन लोग जो गेम खेल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है? हाँ बहुत पसंद आ रहा है, सिद्धार्थ के अगेंस्ट जा रहे हैं वो पसंद आ रहा है? यस। आपको सिद्धार्थ? हाँ। सिद्धार्थ कैसे लग रहे हैं? एकदम वीक वीक लग रहे हैं। ओके, रश्मि के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, उनका गेम प्ले आपको कितना पसंद आ रहा है? मुझे रश्मि जी के ऐसे देखने मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। Yes, उनकी बॉन्डिंग जो है अरहान के साथ है, खेसारी लाल यादव के साथ है और भी बहुत लोगों के साथ है, वो कितना पसंद कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो आप क्या चाहते हैं कि इस बार रश्मि जीते? रश्मि जी जीते। रश्मि जी जीते, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? रश्मि जी को ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे? ऑल थैंक यू सो मच। सो जानना चाहूँगी इस बार आपको बिग बॉस कितना पसंद आ रहा है? इस बार का बिग बॉस तो बहुत दमदार है और बिग बॉस में मेरे सबसे चहेते हैं रश्मि और अरहान जी। okay. और सिद्धार्थ शुक्ला भी है बट वो अग्रेसिव ज़्यादा दिखाते हैं, अगर वो अग्रेसिव कम दिखाए तो वो भी जीत सकते हैं बिग बॉस। वो जिस तरह से को टारगेट करते हैं वो आपको सही लगता है? वो उनका वो पर्सनल मैटर है, अब उनका पर्सनल मैटर वो बाहर सुलझाए, बिग बॉस के घर के अंदर ना पर्सनल मैटर लाए। नहीं नहीं ये गलत बात है, ये जो एग्रेसिव दिखाते हैं सिद्धार्थ शुक्ला वो गलत बात है, वो एग्रेसिव में रहेंगे तो बिग बॉस के घर से कभी भी निकल सकते हो। तो उनके लिए ये सही है? ये सही नहीं है उनके लिए। रश्मि के बारे में क्या बताना चाहेंगे, उनका गेम प्लान कैसा लग रहा है? रश्मि एक सेलिब्रिटी है, रश्मि को मालूम है कि किसके साथ कैसा रहना है, तो रश्मि भी गेम प्लान से चल रही है तो उनका बिहेवियर जो भी है वो अरहान को पता है, ज़्यादा अरहान उनके साथ में रहे और सिद्धार्थ शुक्ला भी रहे उनके साथ में, तो रश्मि का गेम प्लान यही है कि सबके साथ
अच्छे से रहे और बिग बॉस जीते। अरहान जी का तो जो बात करने का स्टाइल एकदम स्मूथली स्लोली पोलाइटली सब लोग से अच्छे से बात कर रहे ताकि कोई उनके साथ एग्रेसिव ना हो, तो अरहान जी की बात करने की स्टाइल बहुत पसंद है मुझे, एकदम पोलाइटली बात। क्या बोलना चाहेंगे? उनका गेम प्लान कैसा? किसकी? साहिल लाल यादव केसारी जी। हाँ। केसारी जी अभी तक वो रोल नहीं दिखा पाए। केसारी जी अगर केसारी जी अपना रोल दिखा दे तो वो भी बिग बॉस के इसमें आगे जा सकते हैं। बोलना चालू करे तो सब पे भारी पड़ जाएगी। वो अभी बोल नहीं रहे, केसारी जी नहीं बोल रहे और हिमांशी जी नहीं बोल रहे, वो लोग दोनों साइलेंट है अभी। अगर वो लोग भी बोलना चालू करे तो वो लोग भी बिग बॉस के घर में आगे तक जा सकते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे सबको? मैं खाली दो ही जन को सपोर्ट करना चाहता हूँ, रश्मि जी और अरहान जी, वो दोनों फेवरेट है, तो वो दोनों को सपोर्ट कीजिए प्लीज। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? आप किसको चाहते हो कि जीते? मैं तो चाहता हूँ रश्मि जीते। शहनाज जी मैम और रश्मि। यस मैम, शहनाज जो है इंटरटेनिंग में मतलब काफ़ी इंटरटेन कर रही हैं शो को। हाँ। और मतलब उनकी जो मतलब इंटरटेनिंग है मतलब काफ़ी हद तक मतलब ऑडियंस को पसंद आ रही है। रश्मि देसाई जो है मैम स्ट्रॉन्ग है। हाँ। थोड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रही हैं वो, मतलब अच्छा कंटेंट कर रही हैं मतलब शो को, और थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं थोड़ा नोकझोंक भी होती रहती है उनके बारे में, तो वो चीज़ मतलब ऑडियंस को थोड़ा अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दोनों का लड़ाई हुआ है, आपको क्या लगता है सिद्धार्थ शुक्ला कुछ ज़्यादा ही एग्रेशन दिखा देते हैं? हाँ मैम, कभी कभी टास्क में भी मतलब एग्रेशन उनका ज़्यादा रहता है, थोड़ा रूडली भी बात करते हैं वो, मतलब थोड़ा मतलब उनसे वो होता है और क्या बोलते हैं उनका थोड़ा मतलब अग्रेसिव थोड़ा ज़्यादा रहता है टास्क के हिसाब से, वो मतलब थोड़ा ज़्यादा वो करती हैं। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम अभी ज़्यादातर तो मतलब मैम उसमें तो ज़्यादातर मतलब फॉलोवर्स जो चल रहे हैं वो मतलब शहनाज का थोड़ा मतलब ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो वो लंबे समय तक जा सकती हैं क्योंकि इंटरटेनिंग कर रही हैं और मतलब खेल भी अच्छा रही हैं। मैम मैं चाहता हूँ मतलब शहनाज आगे जाएँ। मैम मैं यही चाहता हूँ कि मतलब शहनाज मतलब अच्छे से खेलें और मतलब अच्छे से आगे बढ़ें, उनके फॉलोवर्स अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो फाइनलिस्ट बने। ओके वेलकम। सो जानना चाहूँगी इस बार आप बिग बॉस कितना फॉलो करते हैं? या आई एम फॉलोइंग इट एवरी डे, आई वॉच इट, सो लाइक आई डोंट वॉच इट एट नाइट, सो आई एम ऑन वूट ऐप, सो वॉच इट द नेक्स्ट डे। दैट्स इट राइट नाउ। आई एम लाइकिंग भाव एंड आई थिंक देर आर मेनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स दिस टाइम, लाइक रश्मि अरहान, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग। शी इज़ डूइंग वेल, उनका बाकी एक्टिविटीज़ और सब चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट है, सो दैट इज़ गुड। वो और उनका सिद्धार्थ का वे भी यू नो पीपल से दैट शी इज़ टारगेटिंग, बट दैट्स ऑल्सो एंटरटेनिंग इन अ वे, सो दैट्स ऑल्सो फाइन। शी इज़ गॉट सेकेंड चांस, सो आई होप शी रियली यू नो डज गुड दिस टाइम, सो आई एम रियली होपिंग कि वो आई है वापस तो नए एनर्जी और नए जोश के साथ आई है, तो शी विल डू वेल। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एंड वी नो हर सिंस सो मेनी ईयर्स, शी इज बीन अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सो आई एम श्योर दैट शी विल डू वेरी वेल। आई डोंट थिंक इज बायस, आई थिंक इन अ वे ही इज गुड इन अ वे दैट ही इज टेलिंग देम हाउ दे आर बींग प्रोजेक्टेड। जब आप अंदर रहते हो तो आपको पता नहीं आप कैसे प्रोजेक्ट हो रहे हो, सो अगर यू टेक दैट इन अ पॉजिटिव वे, सो आई थिंक दैट्स फाइन। आई डोंट थिंक रश्मि को कभी कुछ डांट या कुछ पड़ी भी है, सो दैट मीन्स शी इज डूइंग गुड। अभी वो काफ़ी नए हैं तो उनके बारे में बोलना थोड़ा वो है, बट रश्मि इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम श्योर अरहान विल डू वेल एज वेल। थैंक यू। Do good, stay away from Siddharth. You'll surely do good. That's so, आपको क्या लगता है कि आप किसको ये विनर देखना चाहते हो? विनर तो नहीं पता, बट आई एम श्योर टॉप थ्री के लिए आई थिंक देर इज़ रश्मि, देर इज डेफिनेटली देर इज़ रश्मि, देर इज़ सिद्धार्थ एंड आई थिंक ईदर ऑफ द अदर प्लेयर्स। थैंक यू। सो सबसे पहले ये जानना
चाहूंगी इस बार आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? मैं तो ये बताना चाहूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ स्टार्टिंग से बिग बॉस सीजन 8 से ही, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बिग बॉस का, तो इसलिए मैं हर साल बिग बॉस देखता हूँ बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। इवन मैं अपना काम छोड़कर बिग बॉस देखता हूँ। सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरे को रश्मि और सिद्धार्थ की नोकझोंक, वो प्यार वाली नोकझोंक मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कहीं ना कुछ तो बात है उन दोनों में कि इतनी नफरत है तो जरूर पीछे। अब मैं तो नहीं जानता उनकी पर्सनल लाइफ, लेकिन उन लोगों की जोड़ी कमाल की है। ओके, जानना चाहूंगी रश्मि और सिद्धार्थ का बॉन्डिंग आपको कैसा लग रहा है, जिस तरह से वो एग्रेशन दिखाकर बात करते हैं और वो स्वीटली बात करते हैं, हाँ वो भी बहुत प्यारा है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने देखा कि ये रश्मि सिद्धार्थ के लिए केयर करती थी, जब वो जेल गया तो वो बोल रही थी ये आई थिंक दैबोलिना से बोल रही थी कि हाँ उसको गर्मी पसंद नहीं है यार, वो कैसे रहेगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो रश्मि उनके लिए केयर करती है। लेकिन पता नहीं सिद्धार्थ का क्या है कि वो झड़प उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, यही है। ओके, सीरियसली पारस के साथ, क्योंकि पारस आबरा का डाबरा, मैं हूँ पारस छाबरा, वो बोलने के लिए, वो सिर्फ वो ना मुंह पे सामने आके वो बटरिंग करने वाले, पीठ पीछे वार करने वाले हैं। जैसे आज के एपिसोड में मैंने देखा कि उसने रश्मि देसाई को सेव किया, सॉरी कल के, हाँ हाँ कल के एपिसोड में, तो वो एक बटरिंग है, वो बटरिंग करना चाहते हैं ताकि मेरे आगे तक वो साथ दे मेरा, बट दैट्स इट, और कुछ नहीं। वो क्योंकि उसने स्टार्टिंग में भी बोला था कॉमनर्स आर डिसगस्टिंग, उसने स्टेटमेंट, बहुत बड़ी बात, वो कोई भगवान नहीं है, राइट, वो भी एक कॉमनर से, हाँ एक दो मूवी कर लिया, वो स्पेस वीला करके आया है, जो भी करके आया है, लेकिन वो भगवान नहीं, वो भी एक कॉमनर से, वो उसकी बात बहुत बुरी लगी मेरे को। रश्मि जिस तरह, हाँ हाँ रश्मि जिस तरह से खेल रही है ना, वो अपने पता नहीं, अब दूसरी बार घर पे आई है, वो एलिमिनेट हो चुकी है, फिर से दूसरी बार आई है, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग करके आई है, स्ट्रेटजी लेकर आई है कि मुझे इस ढंग से खेलना है, मुझे अपने लिए खेलना है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, वो माहिरा और पारस को सेव करने के चक्कर में वो खुद को वो डाउट की और बाहर गई थी, तो इस बार कहीं ना कहीं वो अभी दबी हुई है, लेकिन वो निकलेगी बाहर, निकलेंगी वो बाहर, उनका गेम अच्छा लग रहा है। हाँ उनकी दोस्ती अच्छी लग रही है, लेकिन अभी वो जहाँ तक बिग बॉस में उतना अरहान खुलकर नहीं आया, लेकिन वो आ रहे हैं, और ख़ासकर जिस दिन ये संडे के बिग बॉस वीकेंड का बार में उन्होंने दो शायरी बोली थी, वो कमाल की थी, मैं उनका फ़ैन हो गया, मैं अभी नोट डाउन कर चुका हूँ अपने नोट, ये नोटबुक में, कमाल की उनकी शायरी थी। ओके, सिद्धार्थ का जो एग्रेशन होता है टास्क में वो ऐसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा ही होता है, हाँ मानता हूँ, लेकिन सिद्धार्थ कहीं ना कहीं वो भी अपनी भी प्लानिंग और प्लॉटिंग लेकर चल रहे हैं कि मुझे भी आगे बढ़ना है, तो अगर मुझे एग्रेशन दिखा के वो काम हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। वो बल का प्रयोग डायरेक्ट वो किसी को फिजिकल नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी के थ्रू हो रहा है, लेकिन वो उनका गेम अच्छा है, गेम वो अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट। तो आपके फेवरेट टीम कंटेस्टेंट के नाम जानना चाहूंगी कि कौन इस बार फाइनल में जाएगा? सिद्धार्थ, रश्मि एंड अरहान। ओके, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा, खासकर ये तीनों के लिए, कि आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हो और ऐसे ही खेलते रहो बस, हाँ किसी के साथ ज़्यादा लाउड ना हो, मतलब जो भी है, लेकिन हाँ पारस छाबरा से बच के रहना रे भैया, वो बहुत बड़ा बटर, वो बटरिंग करता है, दिल्ली का है, वो बहुत बटरिंग करता है और पीठ पीछे ले लाते, दैट्स इट, या थैंक यू थैंक यू। बिग बॉस कितना अच्छा लग रहा है इस बार का आपको? जी मैम, बिग बॉस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले मैं कहूँ कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसको देखने के लिए सारी दुनिया साल भर का वेट करती है। अच्छा। कि कब बिग बॉस आए, हम कब देखे हैं, और सब एक घंटे के जो सीरियल चलता है उसके लिए पूरे उत्साहित होकर सारे काम छोड़ के, और सब लग जाते हैं कि हमारे जो नए नए एक्टर्स आए हैं इसमें कैसे वो कर रहे हैं, क्या है उनका रियल ज़िंदगी, और ऑफलाइन में वो कैसे रहते हैं। तो सामने ये जो बिग बॉस के इतने सारे कैमरे लगे हैं, एक एक चीज़ उनकी निकाल के हमारे सामने दिखा देती है, कोई चीज़ नहीं बचता, कुछ नहीं लगता, लगता है ये हमारे बीच से ही गए हैं और हमारे साथ रात दिन खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जैसे हम सो रहे हैं वो भी सो रहे हैं, क्या हम बात करते हैं जैसे फैमिली पता चलती है, वो क्या कर रहे हैं सब हमें पता चल रहा है, तो ये चीज़ें देख के बहुत अच्छी लगती है। और लगता है कि इस बार आपको कौन पसंद आ रहे हैं? जी इस बार रश्मि देसाई हमें बहुत अच्छी लग रही हैं, उनका लुक भी अच्छा है, देखने में ऐसी लगती हैं, और एक जेंट्स में जैसे कि सिद्धार्थ हो गए, वैसे लेडीज़ में वो रश्मि देसाई हो गई, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और दोनों जी 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 नहीं नहीं इंटरटेनिंग लगता है, प्लस इसमें वाइज गेम हो रहा है, ये इतना वाइज हो रहा है कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम इनको कैसे जाने कि कौन क्या कर रहा है,
सामने से तो लग रहा है शायद लव चल रहा है, मतलब अट्रैक्शन एक दूसरे का, लेकिन उसके पीछे का जो ये जो भाव दिख रहा है तो लग रहा है कि नहीं ये है नहीं, इनको गेम जीतने के लिए अपनी अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको ये फॉलो कर रहे हैं और उसके हिसाब से चल रहे हैं। गेम तो सब जानते हैं कि बिग बॉस में कोई एक ही जीतेगा, सब नहीं जीतेंगे, फिर भी अभी अभी आए हैं हमारे बिहार से खेसारी लाल यादव, जो कि एक बहुत अच्छे सिंगर और सुपर स्टार भी हैं, उनको हम लोग बहुत पसंद करते हैं और उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि अभी नए नए आए हैं, अभी उभरे नहीं है खुल के, क्योंकि कोई भी नए घर में गेस्ट आता है। जी, लेकिन ये भी है कि वो भी देख रहे होंगे बिग बॉस, उनको भी पता होगा बिग बॉस में कैसे चलता है, क्या करना है हमें, कहाँ से करना है, जो कि सिंगर वो भी एक्टिंग करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, सारी इंडिया पे राज कर रहे हैं वो भी एक तरीके से, तो उसमें खुलेंगे ही। और सिंगर जो होता है उसका दिल कितना बड़ा होता है एक सिंगर ही जान सकता है, और उसको लुभाने वाले जो लोग होते हैं जो उनको पसंद करते हैं वो जानते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि वो भी उभर के आएँ और जैसे दिल जीतते हैं बाहर वैसे बिग बॉस के अंदर भी जीते, और सलमान खान जी का भी दिल जीते वो एक तरीके से, क्योंकि वो बिहार से हैं तो महानगरी में और पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है, तो होना चाहिए उनका एक रोशन करें। नहीं उनको तो मैं उतना नहीं जानता हूँ अच्छे से, लेकिन हाँ इनको मैं जानता हूँ अच्छे से, सब कुछ समझता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये खुल के आएँ। और विशाल भी हैं, जब हैं साथ में सब गेम खेल रहे हैं तो गेम का तो हर एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी को हम कम नहीं समझ सकते, किसी को ज़्यादा नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ जो खुल के आएगा सामने आएगा वही तो होगा प्लेयर नंबर वन, तो हम चाहेंगे कि वो भी खुल के आएँ। लेकिन रश्मि देसाई सिद्धार्थ जी हैं और ये हमारे आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि ये भी खुल के आएँ। मैसेज यही देंगे कि ये गेम है और हमारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए बना है, हम देखें इसको, देख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि अच्छे से एंटरटेनमेंट करें हम लोगों को, कि हम देखते रहें और अच्छा एंजॉय करें, ताकि फ्यूचर में जो नया एपिसोड आएगा भी इंतजार है बेसब्री से, अब तो फाइनल का इंतजार है कैसे क्या होगा, लेकिन उम्मीद तो हमारी रश्मि देसाई है। ओके थैंक यू। जी 100% रश्मि देसाई जीते हैं, ऑल दी बेस्ट रश्मि देसाई जी आपको, थैंक यू। तो इस बार बिग बॉस आपको कितना पसंद आ रहा है? मैम पसंद तो आ रहा है, बट जैसे कि अभी नेगेटिविटी जैसा सिद्धार्थ उनका चल रहा है शुक्ला जी का, हाँ। और प्लस सलमान सर उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं एक बात तो वो गलत कर रहे हैं, बट एक तरफ से देखा जाए तो ये चलना चाहिए, बिग बॉस में ऐसा होते ही रहता है। सो आपको क्या लगता है कि सलमान खान बायस हो रहे हैं, जानना चाहूंगी। मे बी शायद से। ओके आपको क्या लगता है आपको बिग बॉस इस बार कितना पसंद आ रहा है? बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग है और सिद्धार्थ शुक्ला ने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे रखा है बिग बॉस हाउस में निगेटिव टाइप का, तो मुझे लगता है कि कुछ तो तड़का होना चाहिए ना, अगर आप कोई भी सीरियस मूवी देखते हैं तो जब तक निगेटिव पार्ट ना हो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, और हो सकता है कि सलमान खान उसे सपोर्ट ना कर रहे छोड़ के रखा हो कि चलो बेटा तुम हो कहाँ तक, तुम्हें आगे देखते हैं, और रश्मि शर्मा उसे इग्नोर भी करती है, हाँ सॉरी रश्मि देसाई उसे इग्नोर करती है लेकिन फिर भी वो उसे हरेश कर रहा है, और कुछ जो बिग बॉस हाउस में है तो मैम अगर कोई डिश में अगर मिर्च मसाला ना हो तो कोई मज़ा नहीं आता है, ऐसे ही बिग बॉस में होता है। ओके, सो इस बार आपको कौन पसंद आ रहा है सबसे ज़्यादा? पसंद तो आ रहा है रश्मि देसाई भी है और प्लस शुक्ला। आपको कौन पसंद? खेसारी लाल। खेसारी लाल, हाँ। क्यों पसंद आ रहे हैं? अभी उनका गेम स्लो माना जा रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे? गेम स्लो माना जा रहा है लेकिन ये कहावत है जो लोग स्लो दौड़ते हैं या चलते हैं वही जीतते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। वो हाँ उनका गेम प्लान पसंद है कि उन्होंने स्लो स्टार्ट किया लेकिन फिनिश बहुत बेहतरीन करेंगे वो खेसारी लाल। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं भी इनकी बात से मैं भी सहमत हूँ, हो सकता है जिस तरीके से रश्मि द्वारा, जैसे कि लास्ट टाइम में मैम शिल्पा शिंदे ने उन्होंने इतना किया नहीं था बट वो एंड तक पहुँचे, वैसे इनका भी हो सकता है खेसारी लाल का। गेम प्लान क्या लग रहा है आपको, सही लग रहा है जिस तरह से वो दोबारा घर में एंट्री ली है और बहुत अच्छे तरीके से खेले जा रही है धीरे धीरे? हो सकता है मैम सही भी लग रहा होगा तो, लेकिन जिस तरह से रश्मि देसाई ने अभी तक परफॉर्म किया है मुझे लगता है कि वो मे बी फाइनलिस्ट हो या ना हो, बिकॉज वापस तो आई है लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसेगी, मुझे नहीं लगता कि वो फाइनलिस्ट होंगी। सो टॉप थ्री में आप किसको देखते हो? अरान खान और खेसारी लाल, इट्स माय फेवरेट, बस मेरा तो ये है। एंड मेरे को तो लग रहा है खेसारी लाल एंड शुक्ला को। पिछले जितने सीजन से उसमें सबसे ज्यादा बिग बॉस ये वाला एंटरटेनिंग लगा हम लोग,
क्योंकि इस बार सेलिब्रिटी ज्यादा अच्छे हैं पहले से। सबसे ज्यादा कौन से सेलिब्रिटी आपको पसंद आ रहे हैं? अरहान। अरहान आपको? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अरहान खान पसंद आ रहे हैं क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला इनका ज़्यादातर चल रहा है झगड़ा, तो सिद्धार्थ शुक्ला ज़्यादा अग्रेशन में रहते हैं, तो आई थिंक सो अरहान खान इज़ बेस्ट। अरहान जिस तरह से टारगेट होते हैं या टारगेट करते हैं, क्या पसंद आता है आपको? क्या लगता है कि अरहान टारगेट करते हैं शुक्ला को या फिर शुक्ला टारगेट करते हैं अरहान को? आपको क्या लगता है? शुक्ला टारगेट करते हैं। उनका जो ओपिनियन रहता है अरहान खान का, वो हमेशा राइट रहता है और वो आगे भी हमको टॉप थ्री में हमको लगता है कि वो जाएंगे और जीत भी सकते हैं। वो जिस तरह से अरहान खेल रहे हैं, उनका गेम प्लान आपको पसंद आ रहा है? यस ऑफ कोर्स, शुक्ला से ज़्यादा। पहले हफ्ते में सबके नज़र में आ गए, मतलब हाँ घर में है, तो वो आपको पसंद आ रहा है? हाँ, वो थोड़ा अग्रेशन भी दिखाते हैं, थोड़ा झगड़ते भी है, लेकिन उनका गेम सबको पसंद आना ऑलमोस्ट। ओके, रश्मि के साथ उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा, घर के बाहर भी था और अभी भी चल रहा है। हाँ, उन लोग 2 ईयर से फ्रेंड्स थे, इसलिए उनका बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा है और शायद उनका आगे भी होगा। मेरे हिसाब से अरहान खान और रश्मि देसाई की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, तो वो दोनों साथ मिलकर ही खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। बट सिद्धार्थ शुक्ला ज़्यादातर रश्मि को ही टारगेट करते हैं, तो वो रॉन्ग लग रहा है। ओके, सो उनका एग्रेशन आपको पसंद नहीं आ? नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि रश्मि के साथ उनका बॉन्ड ज़्यादा अच्छा नहीं, इसलिए उनको ज़्यादा रूडली नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सो तो उनका जो भी पास्ट में था वो उनको बिग बॉस में ऐसा मतलब नहीं दिखाना चाहिए, सो गेम ही उनको प्ले करना चाहिए। क्योंकि रश्मि देसाई अपने तरीके से हैंडल कर रही है, बहुत ही पोलाइटली बोल रही है, बट वो हमेशा एग्रेशन के साथ ही बोलते हैं। हाँ, वो हमेशा ऐसे करते हैं, वो हम लोगों को गलत लगता है, उनको थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए क्योंकि ये रियलिटी शो है, पूरी दुनिया देख रही है इसको। यस राइट। सो आपके हिसाब से टॉप 3 कौन कौन होंगे? सिद्धार्थ शुक्ला, अरहान और रश्मि देसाई। सिद्धार्थ शुक्ला, अरहान और रश्मि देसाई। लास्टली क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ लक अरहान का। आई ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक अरहान। थैंक यू सो मच। बिग बॉस पसंद आ रहा है इस बार का? बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा कौन पसंद आ रहा है? सबसे ज़्यादा तो मुझे सारे पसंद आ रहे हैं, पर उसमें से सिद्धार्थ शुक्ला जी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद कौन पसंद है? उसके बाद खेसारी लाल भी ज़्यादा काफ़ी अच्छे हैं, और आरती भी बहुत अच्छा कर रही है अपनी जगह, मतलब अपने जगह हम सभी कर रहे हैं, पर सब टास्क के दौरान भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हाँ। उस टाइप में सो सिद्धार्थ शुक्ला, मतलब बहुत लोगों का ये मानना है कि वो अगर एग्रेशन कम करे तो अच्छा करेंगे, आपका क्या मानना है? हाँ, कम करे थोड़ा सा, लेकिन ये है कि सामने वालों को ये बात समझना चाहिए कि वो क्यों और किस बात पर कर रहे हैं, तो वो अगर थोड़ा सा कम करे तो इधर से भी कम होगा, तो दोनों में वो बीच में आ जाता है एटीट्यूड, वो ना आना चाहिए तो ज़्यादा परफेक्ट लगता है। सलमान खान ने इस बात पर स्टैंड लिया था और उनको बताया था कि इतना नहीं करो, आप कम करोगे तभी अच्छा लगेगा, तो आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, करना चाहिए? नहीं, इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए जिससे मतलब कमी ना महसूस हो, बाकी ठीक ठाक है, थोड़ा उनको हल्का सा कम करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, और किसका गेम अच्छा लग रहा है आपको? और घर के अंदर तो काफ़ी सब कुछ अच्छे ही कर रहे हैं, सब अच्छा करने ही गए हैं तो कर ही रहे हैं, सब अपने अपने जगह पे। खेसारी लाल जी बहुत अच्छे हैं, वो कॉमेडी करते हैं, जैसे मैं भी कॉमेडी करता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ओके, बहुत लोगों का मानना है कि वो अभी बहुत स्लो चल रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, कुछ कर रहे हैं, थोड़ा स्लो कर रहे हैं। हाँ। तो उनको थोड़ा तो बढ़ोतरी करना, जैसे अभी बीच में आपने देखा होगा रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्य चली गई थी, तो उनका कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी तब तो गई, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहा होगा तब तो वो अंदर आई, तो सबको करना चाहिए और फुल अपना 100% देना चाहिए, गेम को गेम के जैसे और घर को घर मान के चलना चाहिए मेरे। तो जी जी, टॉप 3 में मैं देखना चाहता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला को, और खेसारी जी को देखना चाहूँगा, और आरती जी को। ओके, रश्मि देसाई को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, और मैं फ्यूचर में भी मतलब कि आगे भी उनको देखना चाहता हूँ, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो बॉलीवुड में एंटर ज़रूर होंगे, बहुत जल्द एंटर होंगे, और उनके जैसा परफॉर्म कोई नहीं कर सकता इस बॉलीवुड में, क्योंकि उनके अंदर कुछ मैंने देखा है, वो मैं यहाँ पर आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट उनकी मुझे नेचुरलिटीज़ दिखी हैं। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, और वो एक दिन पूरे इंडिया में छा जाएंगे। आप क्या बोलना? मैं भी रश्मि देसाई इसी वही सपोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है, काफ़ी मेहनत की उन्होंने आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, और बिग बॉस में रश्मि देसाई को मैं पसंद करना चाहूँगा, और बॉलीवुड में बहुत जल्द वो एंट्री मार लेंगे बस। थैंक यू। ओके,
और क्या मैसेज देना चाहेंगे रश्मि देसाई को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अच्छा कर रहे हैं और करते रहिए और थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, अच्छे से कीजिए, और पूरा इंडिया आपके साथ है। बस हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।